नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। आज हम पावर रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, जिससे हम लार्मोर फॉर्मूला स्थापित करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लिनार्ड रिचर्ड पोटेंशियल की बात की थी। उनका इस्तेमाल करते हुए जब हम पोजीशन आर ओ टी पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हमको मिलती है ERT = Q/4πε₀r·r·u·c²−v²u+r·u·a, जहां आर की वैल्यू मॉडुलो ऑफ आर माइनस आर डैश से दी जाती है और यू वेक्टर बराबर हुआ सी आर माइनस वी। क्यू पार्टिकल का चार्ज है, आर पार्टिकल की पोजीशन है टाइम टी पर, आर डैश पार्टिकल की पोजीशन है टाइम टी डैश पर, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और ए एक्सेलरेशन ऑफ दी चार्ज पार्टिकल है। बी और ई के बीच में जो रिलेशन हमको प्राप्त होता है वो ये है, बी आर टी इक्वल टू 1/c आर यूनिट वेक्टर क्रॉस ई आर टी। पॉइंटिंग वेक्टर की परिभाषा से पॉइंटिंग वेक्टर का मीनिंग होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया और पावर पर यूनिट एरिया। पॉइंटिंग वेक्टर एच की जो वैल्यू है वो हम देते हैं 1/μ₀ एक ई क्रॉस वी से। ई की वैल्यू बी की वैल्यू जब इक्वेशन 2 से हम रख देते हैं तो हमको मिलेगा 1/μ₀c ई क्रॉस आर यूनिट वेक्टर क्रॉस ए। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल जब हम करें तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है ई स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर माइनस आर डॉट ई ई के बराबर। तो एस वेक्टर को इस फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। जब हम पार्टिकल के कारण जो कि टाइम टी डेज पर होता है के कारण उत्पन्न टोटल रेडिएटेड पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एक ह्यूज स्फीयर की बात करेंगे जो कि रेडियस आर के बराबर रेडियस पर ड्रॉ किया हुआ है और जिसके सेंटर पर पार्टिकल जब टाइम टी डेज पर रेडिएशन इमिट कर रहा होता है उस समय उसके सेंटर पर मौजूद था। इस कारण से R = c(t − t′) रिलेशन हमको प्राप्त होता है। जो स्फीयर हमको मिला है उस स्फीयर की जो एरिया है वो उसकी रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, हम जानते हैं इस बात को। तो यदि इस एरिया को हम डिफरेंट इनवर्स आर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको मालूम है 1/r² टर्म्स के साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो उससे आर ऊपर और नीचे कैंसिल हो करके वो टर्म आर से फ्री प्राप्त होगी। परंतु जिन विभिन्न पदों में 1/r³, 1/r⁴ और इस तरह की टर्म प्राप्त होगी जो कि आर स्क्वायर से ज़्यादा पावर डिनोमिनेटर में रखती हैं, तो उनको जब हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उनमें 1/r टर्म्स बची रहती है जो कि 1/r² इसी तरह से हमको प्राप्त होंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें फील्ड का स्क्वायर आएगा, अतः इक्वेशन 1 में वो टर्म जो कि आर से मुक्त है
वही रेडिएशन को इमिट करने के लिए उत्तरदायी टर्म होंगी और जिनमें वन अपॉन आर या उसकी हायर पावर्स बची रह जाती है एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो टर्म रेडिएशन को इमिट नहीं कर सकती है क्योंकि वन अपॉन आर की वैल्यू आर टेंस टू बी इनफाइनाइट पर जीरो होगी, जो किसी तरह के रेडिएशन को के योगदान में भाग नहीं लेगी। अतः इक्वेशन वन की फर्स्ट टर्म को हम रेडिएशन टर्म नहीं कहेंगे। सेकेंड टर्म में आप देखिए यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, तो ये नीचे वाले आर क्यूब से कैंसिल होकर के वन अपन आर देगा। इस टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो वन अपन आर स्क्वायर हमको मिलेगा। जब एरिया की वन आर स्क्वायर टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा तो इस टर्म के साथ हमको वन अपॉन आर टर्म से मुक्त रिलेशन प्राप्त होगा। अतः यही कारण है कि हम इस टर्म को रेडिएशन टर्म या रेडिएशन फील्ड कहते हैं। अतः रेडिएशन फील्ड हमको मिलेगा एट पोजिशन आर एट टाइम टी पर क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन जीरो आर अपॉन आर डॉट यू पावर क्यू आर कोस क्यू कोस के बराबर। क्योंकि रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, तथा आर डॉट ई इक्वल टू जीरो मिलेगा, जिसके कारण टर्म तीन में सेकेंड टर्म जीरो होने से कैंसिल हो जाएगी और हमको एस वैल्यू मिलेगी वन अपॉन यू जीरो सी ई स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर के बराबर। तो इस तरह से सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि चार्ज इंस्टेंटेनियसली टाइम टी डेज पर रेस्ट पर है, अर्थात यू जो कि सी आर माइनस वी के बराबर था उसमें वी जीरो रखने पर यू इज इक्वल टू सी आर के बराबर हमको प्राप्त होता है। इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन फाइव में रख दें तो हमको रेडिएशन फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी वो इस तरह से होगी, ई रेडिएशन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर अपॉन आर डॉट आर सी पावर क्यू आर वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सी क्रॉस ए, और जब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो सी स्क्वायर वन अपॉन आर आर यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर क्रॉस ए। अतः ई रेडिएशन की वैल्यू हमको मिलेगी क्योंकि एप्सिलॉन जीरो सी स्क्वायर टर्म है, ये म्यू जीरो के बराबर होती है, तो हमको मिलेगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई क्यू अपॉन आर आर डॉट ए आर यूनिट वेक्टर माइनस आर यूनिट वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यहाँ हम जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाली आइडेंटिटी है। इक्वेशन सिक्स से जब हम पॉइंटिंग वेक्टर रेडिएशन के लिए पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करें वो हमको मिलेगी वन अपॉन म्यू जीरो सी म्यू जीरो क्यू अपॉन फोर पाई आर होल स्क्वायर। इस टर्म का जब स्क्वायर टर्म को हम खोलते हैं तो मिलेगा माइनस टू आर डॉट ए प्लस आर डॉट ए होल स्क्वायर आर डॉट आर प्लस ए स्क्वायर। आर डॉट आर वन के बराबर होता है और आर डॉट ए आर डॉट ए आर डॉट ए होल स्क्वायर होता है माइनस टू आर डॉट ए होल स्क्वायर प्लस आर डॉट ए होल स्क्वायर से हमको मिलेगा माइनस आर डॉट ए होल स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारे पास बचा हुआ है। तो ए से रेडिएशन टर्म हमको मिलेगी हम ये मान के चलें कि जो एक्सेलरेशन पार्टिकल का और जो रेडिएशन की डायरेक्शन है उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जैसा कि चित्र में भी मैंने दर्शाया हुआ है। तो इस डॉट प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं ए कोस थीटा के बराबर। इस ए कोस थीटा का वैल्यू जब हम यहाँ रख देंगे तो ए स्क्वायर इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और हमको अंदर मिलेगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अतः पॉइंटिंग वेक्टर रेडिएशन के लिए हमको मिलेगा
mu 0 q square a square upon 16 pi square c sin square theta upon r square r unit vector. चूंकि पॉइंटिंग वेक्टर पर यूनिट एरिया की पावर को डिनोट करता है, अतः जब हम टोटल पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पूरे स्फेयर पर इस पॉइंटिंग वेक्टर को इंटीग्रेट करना होगा. स्फेयर के लिए जो एरिया एलिमेंट है वो होता है साइन आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो जीरो टू पाई और जीरो टू पाई और जीरो टू टू पाई होती है थीटा और फाई के रेस्पेक्ट के. जब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगी 4π/3 के बराबर. अतः जो टोटल पावर रेडिएटेड है उसकी वैल्यू हमको प्राप्त होती है म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6π c के बराबर. म्यू जीरो अपॉन 4π, क्योंकि जनरली जो रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशन से उनमें इस्तेमाल किया जाता है, उस टर्म के रूप में जब मैं इस पी को लिखूं तो लिखोगी म्यू जीरो अपॉन 4π 2π/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर. ये जो रिलेशन है इसी रिलेशन को हम लॉर्मर्स फार्मूला कहते हैं, जो कि किसी चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन के कारण टोटल रेडिएटेड पावर को प्रदर्शित करती है. अब हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन की, जो कि लॉर्मर्स फार्मूले का रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन होगा. यहाँ जो वैल्यू हमको अंत में मिलेगी उसको जनरली जो प्रोसेस है उसको लिनार्ड्स जनरलाइजेशन भी हम कहते हैं. जैसा कि हम देख चुके हैं लॉर्मर फार्मूले को निकालते समय हमने ये एजम्पशन ले ली थी कि जो पार्टिकल है वो इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट पर था, अर्थात वी इक्वल टू जीरो पर था, परंतु जनरली ये प्रैक्टिकल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली जब पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेलोसिटी के बराबर एक्सेलरेट हो रहा है तो उससे रेडिएशन इमिट होंगे, उस परिस्थिति में हम टोटल पावर रेडिएटेड टोटल पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि dW/dt एनर्जी इमिटेड रेट है, जो कि उस स्फेयर पर टाइम टी पर होती है, और dW/dt डैश वो रेट है जिस पर पार्टिकल एक्चुअली टाइम टी डैश पर रेडिएशन इमिट कर रहा होता है. इन दोनों में जो रिलेशन है वो इस तरह से होगा dW/dt dT/dt dT/dt की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, जो कि जब लिनार्ड चार्ज पोटेंशियल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं उस समय हमको प्राप्त होती है. उसकी वैल्यू हमको मिलती है r.u/rc के बराबर. उस वैल्यू को हम कर देते हैं dW/dt जनरली dS/dt है, जो कि टोटल पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल के बराबर है, जो कि हम पहले देख चुके हैं. इसकी वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 16π/0 आर यूनिट वेक्टर क्रॉस यू क्रॉस के वैल्यू स्क्वायर अपॉन r.u कर्ल के बराबर होगी. ये जो वैल्यू हमने लिए ये इस रिलेशन को इस्तेमाल में या किया है, इसमें r.u क्यू यहाँ से मिल रहा है और r.u/rc टर्म हमको यहाँ से मिले. इन दोनों की जब वैल्यू को हम एक्सपेक्ट करते हैं तो dP/dω हमको मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 16π/0 आर क्रॉस यू क्रॉस स्क्वायर अपॉन r.u/5.
उसी तरह से जब हम टोटल पावर डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें पूरे स्फीयर के लिए इसको इंटीग्रेट आउट करना होगा और उस परिस्थिति में जो रिलेशन हमको मिलेगा वो होगा मी जीरो क्यू स्क्वायर अपॉन सिक्स पाई सी गामा पावर सिक्स ए स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर अपॉन सी होल स्क्वायर, जहाँ गामा रिलेटिविस्टिक फैक्टर है और जिसकी वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से दी जाती है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।